हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? हम लोग ये रिहन डैम के एज टाइक एरिया में जा रहे हैं। आज बारिश हुई है, पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी। हाँ, रिहन डैम जिसे हम लोग गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं, मतलब सीनिक ब्यूटी तो यहाँ की नेक्स्ट लेवल है। काफी पानी इस बार अभी भरा है, पिछले 2-3 दिन में बारिश हुई है। उधर से चिमनीज भी दिख रही है। हाँ, प्लांट की 3 चिमनीज है, 6 यूनिट है। बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, वीकेंड्स में आ जाते हैं ना। कई स्पॉट्स है सच में, मतलब पिकनिक स्पॉट की और क्या जरूरत है कहीं। और बारिश में तो काफी पानी भर जाता है, अभी तो और भी बारिश होनी बाकी है। मतलब ये जो हरे मैदान जैसे जो एरिया दिख रहा है ये पूरे पानी से भर जाते हैं। अच्छा। इस बार तो बारिश कम हुई है अभी तक, होपफुली बारिश हो, डैम का लेवल बढ़ जाए। बहुत ही अच्छा लगता है, इसकी वेव्स आपको समुद्र का फीलिंग देते हैं। कितना समय लगेगा रिजर्वायर तक पहुंचने में? बस हम लोग और ऑलरेडी सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, शाम होती नहीं है कि लोग आ जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि बारिश के चलते आसपास में पेड़ पौधे भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, ग्रीनरी काफी आपको देखने को मिलती है। एक्चुअली पता है यहाँ पे मुझे लगता है लोगों को ना बाइक से आना चाहिए। बात तो सही है, कई दिनों से बारिश का कुछ समझ में, मौसम साफ हो जाता है अचानक बारिश होने लग जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी आना होगा बाइक में आएंगे, विंटर्स में तो बाइक आराम से आ सकती है। ये चलेगा, ये एरिया भी काफी सही है। ये इधर जो लाइनें दिख रही है ये एस डिस्पोजल की लाइन है, ADPH कहते हैं, ADPH लाइन। लोग कितना शहरों से कितना दूर दूर जाते हैं ऐसे लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे एकदम पास में ही मिल जा रहा है। आपको डैम के अंदर में छोटे छोटे जो स्पॉट्स जैसे दिख रहे हैं काफी मछुआरे हैं। अच्छा, फिशिंग होती है, फिशिंग होती है मछली को। सामने एक स्पॉट दिख रहा है। हाँ, किसी टाइम पे जब ये रिहन यूनिट नया नया कंस्ट्रक्शन फेज में ये कभी पंप हाउस हुआ करता था। अच्छा, ये डिस्कार्डेड हो गया है, अभी लोगों के लिए घूमने का जगह बन गया है। यहाँ पे एक शेड है, लोग इसके ऊपर आके तक तो पूरा पानी भर जाता था। हाँ, दुर्गा पूजा के टाइम पे जब हम लोग दुर्गा पूजा में यहीं पे विसर्जन होता है पे जब आए थे, हाँ पूरा पानी रहता पानी था, काफी था। मतलब ये स्टेप्स जब यहाँ पे जब खत्म हो जाते हैं ना तो काफी पानी भरा हुआ रहता था, वेव्स जैसा फॉर्मेशन बहुत अच्छा यहाँ पे होता था। बट इस बार चूंकि हुई नहीं है तो अभी तक ये पूरा ये खाली दिख, तो होपफुली बारिश हो लेवल इतना बढ़ जाएगा यहाँ पे। उधर शक्ति नगर और ये विंध्यनगर के प्लांट्स दिख रहे हैं, वो चिमनीज वहाँ पे है। हाँ, यहाँ से वो दिख रहे हैं, एक टापू जैसा दिख रहा है। हाँ, शक्तिनगर पहले जब यहाँ से लोग आई थिंक आज से 25-30 साल पहले ये सब एक्चुअली लेंस में इतना समझ नहीं आ रहा बट यहाँ से दिखता है। जब रोड नहीं बना था तो लोग यहाँ से स्टीमर से होके जाते थे, टापू में भी रुकते थे कई बार, तो लोग उसमें जाके पिकनिक भी बनाते थे। बट काफ़ी इंसिडेंसेस हुए थे, मगरमच्छ वगैरह इसमें मिल जाते थे, इसलिए लोगों ने फिर वहाँ पर जाना मना कर दिया। तो नेक्स्ट बार विंटर में आके इसका एक अच्छे से व्लॉग बनाएंगे। सो आप लोग क्या करना है हमारे चैनल को? सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और कुछ?
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.